हेलो फ्रेंड्स, झटपट किचन रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जब भी हम पनीर के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही डिश का नाम आता है, वो है पनीर बटर मसाला। और क्या आपने कभी सोचा है कि ये डिश इतनी रिच और क्रीमी कैसे होती है? तो एग्जैक्टली आज हम वही बनाने जा रहे हैं। तो आज की हमारी रेसिपी होगी बटर पनीर मसाला। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। आज के पनीर हमने लिया है 250 ग्राम। मैंने इसे क्यूबिक शेप में काट लिया है, आप देख सकते हैं। प्याज हम लेंगे 3 बड़े साइज़ के, इसे मैंने पतला पतला स्लाइस काट लिया है। टमाटर हम लेंगे 3 बड़े। तेल हम लेंगे 2 बड़े चम्मच, क्योंकि हम बटर पनीर मसाला बनाने जा रहे हैं तो बटर ऑब्वियसली हमें चाहिए होगा, तो मैंने 3 क्यूब बटर लिया है। मसालों में हमने लिया है 2 टेबलस्पून गरम मसाला, 1.5 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक, आप अपने अनुसार नमक डाल सकते हैं। 1.5 टीस्पून हमने रेड चिल्ली पाउडर लिया है, कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर हमने लिया है, 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है हमने 1.5 टीस्पून, और हल्दी लिया है हमने आधी चम्मच छोटी चम्मच से। काजू हमने लिया है मुट्ठी भर यानी 10 से 15 काजू हमने लिया है, और रेड चिली हमने लिया है यानी सूखी लाल मिर्च हमने लिया है 5। तो चलिए फ्रेंड्स, बटर पनीर मसाला की रेसिपी को आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, पैन के हीट होते ही हम इसमें तेल डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले से हीट होने के लिए पैन रख दिया था और अब हम इसमें तेल डाल देंगे, और साथ ही हमारा जो स्लाइस किया हुआ अनियन था वो भी इसमें डाल देंगे। और इसे हम हल्का सुनहरा होने तक हम इसे भून लेंगे, और साथ ही अब हम इसमें हमारा जो काजू था वो भी ऐड कर देंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक हम भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा प्याज भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसमें हमारा जो स्लाइस किया हुआ टमाटर था वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, हमें पूरा नमक नहीं डालना है, थोड़ा सा ही नमक डालना है, जिससे कि टमाटर में टेंडर होने के लिए नमक काम देगा, जैसे कि टमाटर गल जाए। और साथ ही हमने जो रेड चिली लिया था यानी सूखी लाल मिर्च, वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक हमारा टमाटर अच्छे से गल ना जाए, क्योंकि हम इसमें सॉल्ट डाला है 1 चम्मच यानी नमक डाला है हमने 1 चम्मच, तो इससे टमाटर जल्दी से गल जाएगी। तो फ्रेंड्स, याद रखें, आप जब भी बनाएं टमाटर, आपको अगर गलाना हो तो आप ज़रूर 1 चम्मच उसमें नमक डाल दीजिएगा, तो वो जल्दी से जल्द गल जाएगा। तो इसे हम फ्रेंड्स लो फ्लेम पे हम इसे 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लो कर दिया है फ्लेम, इसे 5 मिनट तक हम गलने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा टमाटर भी अच्छे से टेंडर हो चुका है, तो अब हम इसे गैस ऑफ करके हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में इसे अच्छा एक इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड्स, इसका पेस्ट बहुत ही फाइन हमने बनाना है, क्योंकि जब हम पनीर बटर मसाला बनाएंगे तो हम नहीं चाहते कि हमारा टमाटर उसमें दिखे या हमारा एक भी स्लाइस किया हुआ अनियन दिखे, तो इसे हमने बहुत ही फाइन पीसना है। और इसे हम ऐसे, अभी हमने गैस ऑफ कर दिया है और इसे हमने ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे एक ग्राइंडर जार में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं हमने जो ऑनियन, टमेटो, रेड चिली और काजू जो हमने फ्राई किया था वो हमने निकाल लिया है ग्राइंडर जार में। तो अब हम इसे फाइन पीस लेंगे। फ्रेंड्स मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं, फ्रेंड्स ये अभी से कितना क्रीमी लग रहा है देखने में, बहुत ही इसका सुंदर कलर भी आया है। तो अब हम इसे पनीर बटर मसाला के अगले प्रोसेस में चलते हैं बनाने के लिए। हम
हम पनीर बटर मसाला के अगले प्रोसेस में आ गए हैं। तो सबसे पहले जिस पैन में हमने अनियंस और टमेटोज को सॉटे किया था उसी पैन को हम फिर से ले लेंगे और उसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे यानी कि तेल। और तेल के हीट होते ही हमने जो अभी अपना जो फाइन पेस्ट पीसा है उसे हम डाल देंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो ऑयल है वो भी गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें अपना जो ग्राइंड किया हुआ पेस्ट था वो भी डाल देंगे। फ्रेंड्स हमने जो अपना जो पेस्ट ग्राइंड किया था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा मिक्सर जॉइंट में थोड़ा सा पेस्ट बच गया था, तो इसे मैंने अच्छे से पानी से मिलाकर इसे भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसे हम एक अच्छा स्टर दे देंगे। इसमें अपना जो हमने ऑल स्पाइसेस लिया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही हमने जो बटर लिया था उसमें से 2 पीस बटर हम इसमें डाल देंगे और इसे एक जल्दी से अच्छा स्टर दे देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा इसका कलर आया है और इसे अब हम ढककर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। टोटल 10 मिनट हो गए हैं, हम देखते हैं हमारा मसाला भुना कि नहीं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो ऑयल था वो अलग हो चुका है यानी कि हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। तो फ्रेंड्स मुझे एक आपको एक ज़रूरी टिप देनी है, अगर आप इसे और स्वीटन बनाना चाहते हैं यानी कि और इसे थोड़ा रिच और क्रीमी अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1 टेबल स्पून चीनी ऐड कर सकते हैं यानी शुगर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे हमारा जो पनीर बटर मसाला इससे इसका स्वाद और भी लाजवाब हो जाएगा। तो अब हम इसमें अपना जो क्यूबिक शेप कट पनीर था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे अच्छा एक स्टर दे देंगे। और इसमें हमने 1/2 कप पानी लिया है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हम एक अच्छा स्टर दे देंगे। और इसे हम ढककर और बस 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स टोटल 2 मिनट हो चुके हैं, आइए देखते हैं हमारा पनीर बटर मसाला बनकर तैयार है कि नहीं। वाह फ्रेंड्स हमारा मज़ेदार पनीर बटर मसाला बनकर तैयार है। गैस ऑफ कर दें और इसके सर्व करने के लिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा मज़ेदार पनीर बटर मसाला बनकर तैयार हो गया है, हम इसे पराठा नान कुलचे पुलाव के साथ खा सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको आज की अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक अलग वीडियो में एक अलग ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक यू।